शांति व सादगी के साथ सरस्वती पूजन करने की अधिकारियों ने की अपील। सरकारी पे कहीं बैठा रहे हैं। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। विद्यापति थाना परिसर में सरस्वती पूजनोत्सव को लेकर दिनांक 21-21-27 दिन शनिवार को विद्यापति थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। या कुछ वैसा प्रॉब्लम आ गए तो जेई साहब से बात कर लीजिएगा कि सर हमको ये पंडाल की जगह बैठ नहीं रहा है, बैठाना हमको यहीं है, जेई साहब पंडाल ना बैठा दीजिए। अगर है किसी पैसे सारे नीचे है पंडाल 100 फीट खड़ा कर बनता है सर। यहाँ जिसकी अध्यक्षता विद्यापति प्रखंड के अंचलाधिकारी अजय कुमार ने किया। इस बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में मरवा पंचायत के मुखिया संजीत सहनी, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह साइट, सिमरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार राय, एलजेपी रामविलास, समस्तीपुर के मीडिया प्रभारी राहुल झा, विद्यापति एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष रंजन सिंह राजीव व शिक्षक सह ब्यूरो चीफ विकास कुमार पांडे, शिक्षक राजीव कुमार, शिक्षक राहुल कुमार, शिक्षक नवनीत भारद्वाज, शिक्षक जितेंद्र कुमार, कैलाश पासवान, सरपंच प्रतिनिधि कमेंद्र सिंह के साथ साथ क्षेत्र के डीजे व टेंट वाले व दर्जनों कोचिंग संचालक मौजूद थे। आपका घर से सही वार्ड 13 है ना? तीन। वार्ड 3 देखेंगे भाई आप कौन बाजा लगा रहे हैं। आप निमंत्रण दीजिए ना, दीजिए हम लोग आपसे। आप बताइए आपका राजीव बजरंगी चौक, आप कौन बाजा का इस्तेमाल वही थाना अध्यक्ष प्रसुंजय कुमार ने बैठक में उपस्थित लोगों से अन्य वर्ष की भांति शांतिपूर्ण माहौल से पूजा अर्चना करने व कराने के लिए अपील किया। शिक्षा की देवी का पूजा की पूजा जो है ना सर, 90% बिना पढ़ने वाला कर रहा है, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। जिस चीज के लिए मानी जाती है खाली पढ़ाई होता है। साथ ही पूजा समिति को लाइसेंस के लिए आवेदन देने के लिए निर्देशित किया। वहीं सर्कल ऑफिसर अजय कुमार ने कहा कि जो भी पूजा पंडाल में डीजे व अन्य अश्लील गाना बजाते पकड़े गए उन डीजे वालों व पूजा समिति के सदस्य पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस पूजनोत्सव से लेकर मूर्ति विसर्जन तक हमारी टीम इसकी निगरानी करती रहेगी। आप सरस्वती माता का पूजा करने के लिए बैठे हैं और बताइए में कोई धार्मिक विसर्जन डीजे। सर, पूजा को लेकर जो शांति समिति की बैठक की गई, क्या क्या निर्देश दिया गया? सरस्वती पूजा जो 26 जनवरी को मनाया जाना है उसको लेकर के स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया है कि डीजे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित नहीं होगा। जहाँ भी पंडाल बना देंगे वहाँ बिजली के तारों का चेक कर लेना है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट की संभावना न हो। पूर्ण रूपेण खास करके सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पर दिया गया है कि सर विसर्जन में किसी प्रकार का विवाद न हो, सबका अपना लाइनिंग, सबका अपना रूट निर्धारित हो, जिसके लिए लाइसेंस के लिए भी पूजा से पूर्व स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आप लोग प्राप्त कर लें। डीजे पर सख्त प्रबंध रहेगी, इसकी भी चेतावनी डीजे वालों के साथ ही बैठक करके दे दी। अगर ऐसा करते हुए कोई पाएगा बिल्कुल जो भी सरकारी नियमानुसार कार्रवाई होगी निश्चित करेंगे। किन पे होगा सर, पूजा पंडाल पे या फिर डीजे वालों पे कार्रवाई? जो इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी।